बिस्मिल्लामान रहीम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू इंटेंसिव स्टडी हम जनरल नॉलेज कर रहे हैं और आज का टॉपिक है आरसीडी और ईसीओ सी ओ डेट मीन्स रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आज के लेक्चर में हम जो भी लर्न करेंगे इसकी पी डी एफ़ फ़ाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली बेस पे वीडियोस आपको मिलती रहें लेक्चर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट्स द ओल्ड नेम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ का पुराना नाम क्या है आरसीडी आरसीडी मींस रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सक्सेसर है आरसीडी की जो कि बनाई गई थी उन्नीस सौ चौंसठ में और इसकी एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई थी नाइनटीन सेवेंटी नाइन में उसके बाद ईसीओ आई नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनवाज आर सी डी इस्टेबलिश्ड रीजनल कोपोरेशन फ़ॉर डेवलपमेंट कब इस्टैब्लिश की गई नाइनटीन सिक्सटी फोर में ये इस्टेब्लिश की गई थी सेंटो के मेम्बर्स की तरफ से सेंटो यानी सेंट्रल टीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स ईरान तुर्की एंड पाकिस्तान इसको इस्टेब्लिश किया था नाइनटीन सिक्सटी फोर में और इसका मकसद था स्ट्रेंथ करना सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट को नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस्ड विद इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ई किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया है ई ने आर सी डी आर सी डी दैट मीन्स रीजनल कॉपरेशन फ़ॉर डिवेलपमेंट इको इज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ रीजनल कॉपरेशन फ़ॉर डिवेलपमेंट विच रिमेंड इन एग्जिस्टेंस सिंस नाइनटीन सिक्सटी फोर टू नाइनटीन सेवनटी नाइन आर सी डी बनी थी नाइनटीन सिक्सटी फोर में और ये एग्जिस्ट रही थी 1979 तक उसके बाद इको ने इसकी जगह ले ली नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान ईरान एंड तुर्की इस्टेब्लिश्ड इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर प्रोमोटिंग टेक्निकल कल्चरल एंड इकनॉमिक कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स किस साल में इन लोगों ने इसको ज्वाइन किया था इको कब बाई 1985 में In 1985, the Economic Cooperation Organization or ECO was established by Iran, Pakistan and Turkey to promote economic, technical, and cultural cooperation among the member states. ECO is the successor organization of Regional Cooperation for Development, which remained in existence since 1964 to 1979. 1964 the RCD or 1979. वो एग्जिस्ट करती रही उसके बाद 1985 में बनी ईको और ई जिसका जिसको बनाया है पाकिस्तान ईरान और तुर्की ने और इसका मकसद है प्रोमोट करना इकनॉमिक टेक्निकल और कल्चरल कोऑपरेशन को मेंबर स्टेट्स के दरमियान नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टोटल मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टोटल मेंबर्स कितने हैं ई के टेन मेंबर्स 1985 में शामिल थे ईरान पाकिस्तान और तुर्की और 1992 में ये एक्सपेंड हुई सेवन मेंबर्स इसमें और ऐड हुए जिनमें अफ़गानिस्तान आज़रबाईजान कजाकिस्तान करेगस्तान ताजिकस्तान तर्कमानिस्तान और अजबिकस्तान शामिल थे जो इसकी एक्सटेंशन की डेट थी यानी अट्ठाईस नवंबर इसको ही एको डे कहा जाता है या इसी की अट्ठाईस नवंबर को ही ई का डे मनाया जाता है द नेक्स्ट वन इज़ वेन वाज इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड ईको कब बनी 1985 में ईको इज एन इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इस्टबलिश्ड इन 1985 ऐटी फाइव बाई ईरान पाकिस्तान एंड तुर्की फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग इकनॉमिक टेक्निकल एंड कल्चरल कॉपरेशन अमंग द मेम्बर स्टेट्स ई सी ओ और इकनॉमिक कापरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेबलिश की गई थी 1985 में ईरान पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से जिसका मकसद है प्रमोट करना इकनॉमिक टेक्निकल और कल्चरल कॉपरेशन को मेम्बर स्टेट्स के दरमियान नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आर द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई सी ओ इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका मकसद था इस प्रमोट करना इकनॉमिक रीजनल ट्रेड को टेक्निकल और कल्चरल कोपरेशन जो कि इनको फ्रॉग देना मेंबर स्टेट्स के दरमियान नेक्स्ट वन इज़ वेयर इज़ द द्वार्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईसीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है रिपब्लिक ऑफ़ ईरान में इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटेरिएट और कल्चरल डिपार्टमेंट लोकेटेड है ईरान में इसके इकोनॉमिक ब्यूरो है तुर्की में और इसका साइंटिफिक ब्यूरो सिचुएटेड है पाकिस्तान में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वाज इकोनॉमिक कापरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इट्स मेंबर वर जब ई बनी इसके मेंबर्स की तादाद कितनी थी तीन और कौन कौन से मेंबर्स शामिल थे ईरान पाकिस्तान और तुर्की और 1985 में ये बनी थी और इसका मकसद था इकोनॉमिक टेक्निकल और कल्चरल कोपोरेशन को मेंबर स्टेट्स के दरमियान फ़र्व देना लास्ट क्वेश्चन है द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ई इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ इकनॉमिक कोऑप्रेशन ऑर्गेनाइजन का सेक्रट्री जनरल कितने अर्से के लिए इलेक्ट किया जाता है फॉर थ्री ईयर एज द चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेट्री जनरल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द सेक्रटरी जनरल इज़ डिचार्जिंग हिज ड्यूटीज़ ओवर अ नॉन रीन्यूएबल थ्री ईयर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तीन साल के अर्से के लिए इसको इलेक्ट किया जाता है और ऑफिस की या ऑर्गेनाइजेशन की तमाम तर्जमादारियाँ सेक्रेटरी जनरल पर ही होती हैं आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली बेस पे वीडियोस आपको मिलती रहें थैंक यू